Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling. तो इस बॉक्स पे फोन की फोटो छपी हुई है और लिखा हुआ है Vivo Y15s, नीचे Vivo की ब्रांडिंग दी हुई है और साइड में लिखा हुआ है Vivo स्पॉन्सर्ड IPL और पीछे दिया हुआ है इसके थोड़े स्पेसिफिकेशन, जैसे कि इसमें 5000 mAh बैटरी है, साइड फिंगरप्रिंट है, AI ड्यूल कैमरा है और दोस्तों आप देख सकते हैं इसका प्राइस दिया हुआ है नीचे 13990, लगभग 14000 MRP प्राइस है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, फ़ोन है, चार्जर है, एवरीथिंग बताया हुआ है। तो ये है 3GB 32GB वाला वेरिएंट, वेव ग्रीन कलर है। तो दोस्तों आइए हम इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। तो बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले है ऊपर इसका केस, तो फ़ोन का कवर है, ये ट्रांसपेरेंट कवर है, काफ़ी फ्लेक्सिबल है। और ये कुछ पुस्तकें, किताबें सी हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वारंटी वगैरह की। और ये है फाइनली हमारा वीवो का फ़ोन और फ़ोन के नीचे पड़े हैं IMEI के स्टिकर्स जो बिल पे प्रिंट होते हैं, तो बिल पे छपते हैं, ये बिल पे हमें स्टिकर्स को लगा देते हैं, ये स्टिकर्स हैं। और देखते हैं कि फ़ोन में क्या क्या है। दोस्तों ये है चार्जर फ़ोन का, ये चार्जर है 5.0V2A, मतलब कि ये फ़ोन का जो ये चार्जर है 10 वाट का है। और जो इसमें केबल है Type-A Type-B केबल है, आप देख सकते हैं इसमें सी टाइप केबल नहीं है, Type-A B केबल है। और लास्ट पे है ये सिम इजेक्टर टूल। तो बॉक्स को रखते हैं साइड में और देखते हैं फोन की लुक। जस्ट वाओ लुक है यार, तो आप देख सकते हैं कितनी ऑसम लुक है यार फोन की। तो दोस्तों इस फोन का वेट है 179 ग्राम्स। इसकी ये पूरी प्लास्टिक की बैक है और प्लास्टिक का पूरा फ्रेम है और ऊपर है सिम टूल। तो दोस्तों इस फ़ोन की लुक बड़ी इम्प्रेसिव है यार, ये पूरे पीछे जो ये पूरे विजुअल से दिए हैं बड़े सुंदर लग रहे हैं यार। ये पूरा लाइट स्काई ब्लू और सिल्वर कलर का ये टोन है, वेव ग्रीन जो इस फ़ोन का कलर है। दोस्तों जो ये फ़ोन का वेरिएंट है ये है 3GB और 32GB। 3GB इसमें रैम है और 32GB इसकी स्टोरेज है। इसमें 2 कलर्स आते हैं फ़ोन में, एक है वेव ग्रीन और एक है मिस्टिक ब्लू। मेरे को थोड़े लाइट कलर पसंद है तो मैंने वेव ग्रीन फ़ोन लिया है। अगर आप डार्क कलर का फ़ोन पसंद करते हैं तो आप मिस्टिक ब्लू कलर भी ले सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर कलर है। तो दोस्तों जो हमें सिम इजेक्टर टूल मिला था, हम उससे इसकी सिम ट्रे है जो ऊपर, वो ओपन करके देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो दोस्तों इसकी काफ़ी बड़ी सिम ट्रे है, इसमें ड्यूल सिम है और सिम 1 सिम 2 नैनो सिम है। और ये जो थर्ड वाला है ये है मेमोरी कार्ड के लिए, जैसे कि फ़ोन की मेमोरी 32GB है और आप इसमें 1TB स्टोरेज तक का मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं, तो इसकी स्टोरेज काफ़ी बढ़ जाएगी। तो हम इसको रखते हैं वापस। और फ़ोन की राइट साइड में वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन और ये, और ये है लॉक वाला बटन। बैक साइड से ये बिल्कुल प्लेन है और लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं है, टोटली प्लेन है लेफ्ट साइड। और नीचे है 3.5mm का हेडफोन जैक, माइक, Type-A B चार्जर और ये स्पीकर्स हैं, 4 स्पीकर्स दिए हैं नीचे। फ़ोन की जो बैटरी है बहुत बड़ी बैटरी है, 5000 mAh बैटरी है इस फ़ोन में। तो फाइनली फ़ोन का सेटअप हो गया है रेडी। तो दोस्तों अगर इस फ़ोन के कैमरे की बात करें, इसमें 2 कैमरे हैं, जो ऊपर वाला कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल है जो मेन कैमरा है और नीचे वाला कैमरा है जो 2 मेगापिक्सल है, ये मैक्रो डेप्थ शॉट्स के लिए, जैसे हम कोई डेप्थ शॉट्स लेते हैं।
और ये 4G फोन है। और दोस्तों इस फोन के अबाउट में जाके हम देखते हैं, इसमें फ्रंट टच OS है और प्रोसेसर है 2.3 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, रैम है 3GB, एंड्रॉयड वर्जन है 11 और 4 की स्टोरेज है 32GB। और तो अगर दोस्तों इस फोन के डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले का स्क्रीन साइज है 6.51 inches और HD+ डिस्प्ले है। इसकी ब्राइटनेस भी मुझे काफी अच्छी लगी, हाँ इसकी काफी अच्छी ब्राइटनेस है, तो आप दिन में या धूप में रात को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। और दोस्तों इसके कैमरे की बात करें, 13 MP मेन कैमरा है और 2 MP जो इसका मैक्रो डेप्थ कैमरा है विद फ्लैश लाइट है, जो 13 MP है उसके मेन कैमरा है, और जो 2 MP है डेप्थ कैमरा है कि हमने अगर किसी फोटो का डेप्थ देखना है या मैक्रो शॉट लेना है, और जो इसका मेन जो फ्रंट कैमरा है वो है जो इसका छोटा सा नॉच बना हुआ है, ये कैमरा है 8 MP का सेल्फी कैमरा। मेन इस फोन में सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए बहुत अच्छी सिक्योरिटी दी है, आप पैटर्न भी यूज कर सकते हैं, पिन भी यूज कर सकते हैं, फेस आईडी भी यूज कर सकते हैं और फिंगरप्रिंट भी यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं यार ये, तो बहुत अच्छी लगी मुझे सिक्योरिटी। तो दोस्तों ये फोन की थी सारी अनबॉक्सिंग, इसकी लुक आप इसकी लुक अभी भी देख सकते हैं कि अल्टीमेट लुक है यार इस फोन की, अल्टीमेट लुक। तो दोस्तों ये फ़ोन मिला है मुझे 10,990 11,000 में, बहुत अच्छा फ़ोन है, इस बजट का बेस्ट फ़ोन है, 4G फ़ोन है, ड्यूल सिम है, इसमें आप मेमोरी कार्ड भी मेमोरी इंक्रीज़ करने के लिए लगा सकते हैं, सब फीचर्स हैं इस फ़ोन में। तो दोस्तों कैसी लगी अनबॉक्सिंग आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, स्टे ट्यून्ड स्टे सेफ, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।